तुमको उतरना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो तुम चार हो गए। ओहो यहाँ पर बहुत ही गंदी रोड हो रखी गाइस, देख सकते हैं आप। ओहो और यहाँ पर व्यू के ज़्यादा मजे मत लीजिएगा, नहीं तो फिर व्यू आपके मजे लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी कोई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नाम कमेंट में मजे ले रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज का हमारा प्लान है मॉर्निंग राइड का। सो मैं, मेरा बड़ा भाई और दीपक भैया, हम तीन जने जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं मैं अभी बताने वाला कुछ नहीं हूँ और टाइम हो चुका है अभी 6:30। हमारा प्लान था 5:30 पे निकल जाएंगे बट थोड़ी बारिश हो रही थी तो हम बारिश रुकने का वेट कर रहे थे तो रुक गई बारिश। तो अब चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते पे। पहाड़ की चाय में पहुंचते हुए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल बादल हो रही है, ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल हाई है मेरा। और ऊपर से ये बादल देखिए और यहां पर आप देखिए कितना फॉगी फॉगी वेदर हो रहा है, कितना मस्त है। देखिए सामने ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह अगर ऐसा कुछ देखने को मिले ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और दिन भर की फ्रेशनेस रहती है। और गाइस मुझे नहीं पता कि आप लोग के घर में क्या चल रहा है, बाकी हाल में तो फॉग चल रहा है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ। और मैं तो कहता ही हूँ मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, बस मौज खोजने ही जा रहे हैं तो आपको भी मौज दिखाते हैं। बाकी यहाँ से जो मेन हेड़ाखान का मंदिर है वो तो बहुत ऊपर है, यहाँ से 20 किलोमीटर ऊपर। इतने ऊपर तो नहीं जाने वाले क्योंकि भाई को अभी अपनी कोचिंग भी पढ़ानी है। तो अभी देखते हैं ऊपर कोई अच्छा व्यू दिखता है या कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो वहाँ तक जाते हैं। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ जो मेरी टैगलाइन है मौज लो रोज लो वाली, ये आप लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूँ ये टैगलाइन मुझे दी है हमारे बड़े भाई विजय गौड़ जी ने, तो उनको थैंक यू सो मच। और बाकी इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए आपको भी थैंक यू। बाकी थोड़ी सी यहाँ पर ऑफ रोड भी आ चुकी है गाइस, देख सकते हैं आप।
आपने तगड़ी ऑफ रोडिंग, बाकी नहीं तो हम पे राजा गाड़ी है ही। देखिए देखिए, ओहो बिल्कुल स्मूथ चल रही है हमारी गाड़ी, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे का भी देखिए आप, ओहो यहाँ तो मेरे को उतरना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो तुम चला दोगे। ओहो यहाँ पर बहुत ही गंदी रोड हो रही है गाइस, देख सकते हैं आप। ओहो और गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इस रोड में पहली बार आया हूँ व्लॉगिंग करते वक्त। वैसे मैं आया हूँ बहुत बार यहाँ, बाकी मैं व्लॉगिंग करते वक्त इस बार पहली बार आया हूँ। तो आप लोग वैसे भी बोर हो चुके थे भीमताल और नैनीताल की रोड देखते देखते, तो मैं आपको, मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया रूट दिखा दूँ। बाकी इस वीडियो को पूरा देख लेना, बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर आप पहाड़ों में कितना अच्छा मौसम है। बाकी हल्ले देखियो, हम हल्ले में जो एडसी वहाँ तो गर्म एडसी, यहाँ देखो तो ठंडा है रहो अकड़ी के शरीर यहाँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, मतलब मुझे तो ठंडा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। इन लोगों ने तो अपनी राइडिंग किट्स पहनी है, जैकेट पहनी है, तो इनको तो लग नहीं रहा है। मैं तो बिल्कुल अपना एक बेड शर्ट में आया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगा है थोड़ा सा। और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर तो थोड़ा व्यू अच्छा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अभी आपको अच्छी अच्छी लोकेशन पर ले आऊँगा मैं। बाकी अभी हम थोड़ा रुके हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, और चाय पीते हैं फिर चलते हैं आगे वो। सो गाइस अभी हम इस लोकेशन पे रुके थे और थोड़ा हमने यहाँ पर शूट किया, बाकी अभी हम चलते हैं वापस। और गाइस थैंक यू सो मच कल की वीडियो में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए। बाकी कोई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नाम कमेंट में मज़े ले रहे थे, और मजाक से हटकर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए मुझे। सरप्राइज़ मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ, क्या सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और आप लोग जो नाम दिए थे तो मेरे बहुत ज़्यादा, मतलब कि समझ नहीं आ रहा है इतने अच्छे अच्छे नाम, अब मैं कौन सा नाम लास्ट फाइनल करूं। बाकी मैंने सरप्राइज़ के लिए एक छोटा सा गुल्लक बना लिया है, रोज़ पैसे डाल ही रहा हूं। क्यों, और इनके सर के यहाँ पर आज गर्दन की नस चढ़ गई है, हालत ख़राब हो रखी है इनकी। और गाइस मुझे अभी एक चीज़ अभी याद आई कि कल जन्माष्टमी भी है, कल मतलब जो आने वाला कल है, क्योंकि ये व्लॉग भी कल आएगा, तो हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। और कल आप लोग भी कृष्ण भगवान से कुछ ना कुछ मांग लीजिएगा, मैं भी मांगने वाला हूँ एक राधा और दो तीन गोपियाँ, क्योंकि कृष्ण भगवान के पास भी राधा और गोपियाँ बहुत सारी थी, तो एक तो हमारे पास भी बनती हैं, क्यों आप लोग मांग लीजिएगा। और अभी आप इनकी गर्दन देखे ना, जरा ज़रा गर्दन से बुढ़ाई भी नहीं जा रही है मतलब, और लेकिन व्यू बहुत प्यारा है, और ऊपर जो कोहरा लगा है देख सकते हैं आप पीछे। बाकी देख लीजिए, मैं इतने एक हाफ उसमें शर्ट पाया हूँ और कुछ पहना भी नहीं है मैंने। और बाकी फिर गाड़ गधेरे क्रॉस कर रहे हैं हम, बाकी हम ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि जहाँ पर हमने चाय और मैगी खाई वहाँ पर अंकल ने बताया कि आगे रोड भी ख़राब हो रही है, और उससे आगे मतलब वो 12-13 किलोमीटर आगे था, और हमें कुछ यूज़ नहीं लगा आगे जाने का, और लेट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए हम आगे नहीं गए। हमने मतलब थोड़ा सा हमने शॉर्ट राइड करनी थी अपनी, और थोड़ा इन्जॉय करना था, हमने वो कर लिया था। बाकी हमने मौज खोज लिए थे, तो हमने कहा कि इसे वापस चलते हैं। बाकी फिर हमने थोड़ा वीडियो शूट और अपनी रील्स और फोटोज़ इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि वो मैंडेटरी है ना, क्योंकि यार फिर वो ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो पाती फोटोज़ और वीडियोज़ के बिना। बाकी गाइस आज मैं आया था अपने बड़े भाई के संग, बड़े भाई को तो मेरे सब जानते ही हैं, और आज दीपक दा भी हमारे संग बाइक राइड पर आए थे। और दीपक दा, हेलो गाइस कैसे हैं? और दीपक दा का होटल है, दीपक दा का होटल है हमारे बगल में, आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर है। क्यों, बिल्कुल जयदीप होटल नाम से है मेरा, इसके घर के थोड़ा सा ऊपर बस, और आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर है, और एक दिन वहाँ का भी आपको टूर दिखा देंगे। क्यों दीपक दा, बिल्कुल। और दीपक दा बहुत जल्द थार लेने वाले हैं, तो फिर थार में हम आपको वीडियो दिखाएंगे। बिल्कुल। तो अभी हम बैठे हैं दीपक दा के संग बाइक पे, और फिर चलते हैं आगे को। तो गाइस ये है हल्द्वानी का व्यू, देख सकते हैं आप यहाँ पर से पूरी हल्द्वानी दिखती है, और काफ़ी अच्छा। अभी आज थोड़ा फॉगी वेदर हो रहा है, तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रही है, बाकी यहाँ से अच्छा दिखता है। आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और अभी थोड़ा बारिश भी आने लगी है, तो अब सीधे घर ही को ही चलते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो चुका है।
9 बजे है और घर वाले भी डांटने वाले हैं, तो चलते हैं घर को। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अभी जस्ट हम घर पहुंच रहे हैं। और आज के ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मौसम भी बहुत अच्छा था और पूरी बॉडी में फ्रेशनेस आ गई है। सो यहीं पर एंड अप करते हैं व्लॉग को। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो सब्सक्राइब करें, मना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।